हेलो फ्रेंड्स, मैं मरुभूमि राजस्थान से स्वागत करता हूं आप सभी का तरोवर गार्डन में। आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 25 दिसंबर क्रिसमस का दिन है और ये मेरे आप देख सकते हैं क्रिसमस के प्लांट जिन्हें एरोकेरिया भी बोलते हैं। असल में ये क्रिसमस ट्री है ही नहीं, इन्हें इंडियन क्रिसमस ट्री इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये क्रिसमस जैसा दिखता है, क्रिसमस ट्री जैसा दिखता है। और इनका जो साइंटिफिक बॉटनिकल नेम है वो है एरोकेरिया। आज हम आपको सुनाने वाले हैं क्रिसमस के ऊपर एक छोटी सी कहानी। एक बार डेला नाम की लड़की थी और उनके हस्बैंड थे जेम्स। वो उन्हें जिम कहकर पुकारती थी और दोनों बहुत गरीब थे। कैसे तैसे करके डेला ने कुछ पैसे जुटाए और वो अपने पति को क्रिसमस के दिन बहुत अच्छा उपहार देना चाहती थी जिसे उनका हस्बैंड बहुत ज़्यादा प्राउड कर सके। लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। दोनों के पास एक ऐसी चीज़ थी जिन पर दोनों को बहुत गर्व था। जेम्स के पास एक गोल्डन वॉच थी जो उनके पिताजी और उन्हें उनके पिताजी ने दी थी। डेला के पास बहुत लंबे घने ब्राउन कलर के बाल थे जो घुटनों से नीचे तक आते थे और गारमेंट का काम किया करते थे। अचानक वो अपने बालों को बेचने के लिए किसी शॉप पर जाती हैं और बालों को बेचकर अपने हस्बैंड के लिए उस वॉच का एक प्लैटिनम का फॉब चेन यानी फीता लेकर आती हैं। जब वो घर पर आती हैं, उनके हस्बैंड आते हैं और उनके हस्बैंड देखते हैं उनके बाल कहाँ चले गए। वो बताती हैं कि बाल मैं बेच आई हूँ, तुम्हारे लिए मैं गिफ्ट लेकर आई हूँ, लेकिन आप चिंता ना करें, ये बहुत जल्द ग्रो हो जाएंगे क्योंकि मेरे बाल बहुत अच्छे से बढ़ते हैं। लेकिन उनके हस्बैंड जेम्स, जिन्हें वो जिम कहकर पुकारती थी, बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं, अवाक रह जाते हैं। वो बोलते हैं कि तुमने अपने बालों को क्यों बेच दिया। उन्होंने कहा क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छा गिफ्ट देना चाहती थी जिस पर तुम प्राउड कर सको। और जेम जो डेला के लिए गिफ्ट लेकर आया था वो उसने बिस्तर पर पटक दिया और कहा तुम इसे खोलना मत, यदि तुम इस गिफ्ट को खोलोगी तो तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगी। अचानक झटपटाती हुई डेला ने उस गिफ्ट को खोला। जैसे ही उसने उस गिफ्ट को खोला तो उसने देखा गिफ्ट के अंदर कई सारी वैरायटी के कॉम्स यानी कंघे थे। वही कंघे थे जिन्हें डेला कई बार शॉप पर देख चुकी थी और मन में लेने की इच्छा थी, लेकिन महंगे होने के कारण वो उन्हें ले ना सकी। आज क्रिसमस के दिन पर उनके हस्बैंड उनके लिए वही कंघे लेकर आए, उनके घने ब्राउन और बड़े बालों के लिए। वो कंघे बहुत ज़्यादा शख्सियत वाले थे, उनके ऊपर नग रत्न जुड़े हुए थे और साथ ही वो कंघे बने हुए थे कछुए की शैल से। ये देखकर डेला बहुत ज़्यादा रोने लगी और डेला और जिम ने एक दूसरे को गले लगा लिया। इन रियलिटी यदि हम देखें तो दोनों ने अपने कीमती सामान को एक दूसरों के लिए सैक्रिफाइस कर दिया, त्याग कर दिया, इसलिए वो बने मजाई। यहाँ पर मजाई शब्द का अर्थ गिफ्ट देने वाले हैं कि हम गिफ्ट का आदान प्रदान करें। बहुत पुराने समय में मजाई तीन व्यक्तियों को बोला गया है। वो तीन व्यक्ति वो वाइज मैन थे और वो भगवान यीशु के लिए गिफ्ट्स लेकर आए थे और तब से ये परंपरा चली आ रही है कि क्रिसमस पर सांता बच्चों को गिफ्ट देते हैं और कई लोग एक दूसरे को गिफ्ट का आदान प्रदान करते हैं। क्लास 12th में जब मैं पढ़ाता हूँ तो उनमें एक चैप्टर था
द गिफ्ट ऑफ मजाई, तो मैंने आपको बताया ये पुराना चैप्टर है, बहुत पुराना है, और ये कहानी तब से चली आ रही है जब से मजाई ने जीसस क्राइस्ट को गिफ्ट दिया था। सर्दियों में आप क्रिसमस की बहुत अच्छे से देखभाल करें, वाटर बहुत कम डालें, कटिंग की इन्हें कोई ज़रूरत नहीं। इनकी आगे की कहानी क्रिसमस के बारे में, क्रिसमस टी की केयर के बारे में कभी और सुनाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।